गोपालगंज सिविल अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के कारण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वही डॉक्टर ड्यूटी के समय नदारद रहते हैं। बेगमगंज के सिविल अस्पताल में समस्याएं डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही से बढ़ती जा रही है। कहने को तो मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का गृह क्षेत्र है, मगर बेगमगंज तहसील स्वास्थ्य विभाग के मामले में पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण मरीजों को डॉक्टरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। जैसे तैसे डॉक्टर मिल भी जाते हैं तो पर्चे पर लिखी दवाई के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि दवाई स्टोर में ताला लटका रहता है। वही अपनी जिम्मेदारी पर पर्दा डालते हुए ब्लॉक मेडिकल अफसर विजय लक्ष्मी नागवंशी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और नर्स सिस्टर की कमी का रोना रोती नहीं। इसके कारण मरीजों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजबूरी में उन्हें प्राइवेट क्लिनिकों का भारी भरकम पैसा देकर इलाज करवाना पड़ता है या जिला अस्पताल रायसेन जाना पड़ता है। हॉस्पिटल है और ये 100 बेड हॉस्पिटल है। यहाँ नॉर्म्स के हिसाब से हमारे यहाँ 40-42 सिस्टरें होना चाहिए और 22 डॉक्टर होना चाहिए, जबकि हम लोग सिर्फ एक डेंटल सर्जन है और 3 हम लोग डॉक्टर्स हैं। तो ये कोई लिखित कार्रवाई की ऊपर आप? हम लोग बहुत बार कर चुके हैं लिखित कार्रवाई, आश्वासन मिलता है अपने को वरिष्ठों से, फिर भी अभी तक डॉक्टर बस नहीं हो पाए। ना डॉक्टर ना कोई सिस्टर है, सिस्टरों कितनी पदस्थ है? सिस्टर है हमारी 5-6 सिस्टर हैं। कितनी होना चाहिए? हमारे यहाँ होना चाहिए कम से कम 40-42। में ऐसा देखने में आ रहा है कि जो ड्यूटी डॉक्टर समय पर उपलब्ध नहीं रहते, और अगर वो देख जैसे तैसे डॉक्टर मिल भी जाते हैं तो फिर जो स्टोर कीपर जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं उसमें ताला लगा रहता, मरीज परेशान होते रहते घंटों। अब आपकी जानकारी में बात लाई गई है संज्ञान में, अब क्या कार्रवाई की जाएगी? मैं इसके बारे में दिखवाता हूँ, BMO से बात करता हूँ। BMO अभी छुट्टी पर है, लेकिन वहाँ 3 डॉक्टर पदस्थ हैं अभी वर्तमान में, और फार्मासिस्ट भी 2 हैं। ऐसी स्टाफ की कोई कमी नहीं है और दवाएं जहां तक है पर्याप्त है वहां। वहीं जो नागवंशी मैडम है BMO जी, उनके द्वारा तो डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी, स्टाफ की कमी को हवाला देकर बात से पल्ला झाड़ा जा रहा है। सिविल अस्पताल के मान से डॉक्टरों की कमी निश्चित रूप से है, लेकिन अभी 3 डॉक्टर वहाँ ड्यूटी करने वाले वर्तमान में उपलब्ध हैं। कहाँ से आए आप? बेगमगंज। तो यहाँ सिविल अस्पताल आए कब से आए? हम बहुत देर हो गई, कम से कम 8 घंटा हो गया। कितने बजे आए थे? हम 9 बजे आए थे। 9 बजे आए थे, तो क्या परेशानी है? आवेदन डॉक्टर साहब ही नहीं बैठे, कोई नहीं है इधर खड़े हैं। और जो यहाँ पर OPD है, जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं जी, वो ही बंद है। ताला लगा हुआ है? ताला लगा हुआ है, बंद। करीबन कितनी देर से? करीबन वो तो 8 घंटा हो गया। नहीं, खुला ही नहीं है। खुला ही नहीं है।